वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सबका चलिए ध्यान दीजिएगा आज का ये सेशन है इसको कंप्लीट देखिएगा दोस्तों दो अगस्त है और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आप अपने दोस्तों के साथ चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चलिए देखते हैं आज का जो है पहला प्रश्न देखिए छत्तीसगढ़ से किसे सर्वश्रेष्ठ प्राचार्य के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा तो ऑप्शन है यहाँ पर देखेंगे और इसका जो सही आंसर है दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है वर्षा साहू जी ओके ऐड कीजिएगा वर्षा साहू जी देखते हैं इसके संबंध में तो यह है याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के जो है कांकेर के जो है अंतागढ़ के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की जो है प्राचार्य वर्षा साहू जी को दोस्तों सर्वश्रेष्ठ जो है प्राचार्य के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और इससे पहले भी दोस्तों उन्हें जो है शिक्षा के क्षेत्र में समर्पण एवं योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दो के लिए पुरस्कृत किया गया है ओके ऐड कीजिएगा इसके संबंध में और भी है याद रखिएगा दोस्तों कि इस पुरस्कार के लिए जो है पूरे देश से है ना उन्हें जो है एक लाख पचास हज़ार स्कूलों में से दोस्तों चुना गया है और सर्वश्रेष्ठ हज़ार स्कूलों के जो है प्राचार्यों को ये जो है सम्मान दिया जाएगा ओके ऐड कीजिएगा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जो है जयंती के है ना अवसर पर जो है मतलब शिक्षक दिवस के अवसर पर है ना मुंबई में महाराष्ट्र के मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें सम्मानित किया जाएगा ओके तो ये पॉइंट याद रखिएगा है ना वर्षा साहू जी ओके okay, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं देखिए हाल ही में चर्चित बिजौरा पहाड़ है ना बिजौरा पहाड़ ये किस जिले में स्थित है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न तो ऑप्शन है यहाँ पर और इसका जो सही आंसर है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है याद रखिएगा ये रायगढ़ में है ओके चलिए देखते हैं है, इस, है ना इसके संबंध में तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है दोस्तों कि बिजौरा पहाड़ी किस जिले में है तो रायगढ़ जिला में है और इसकी जो ऊंचाई है एक मीटर ऊंचा है ओके चर्चा में क्यों है क्योंकि है ना अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण दोस्तों ये चर्चा में है याद रखिएगा ये किस जिले में है ये ध्यान दीजिएगा है ना देखिए हाल ही में चर्चित लिंगई माता का मंदिर यह किस जिले में स्थित है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को और इसका जो सही आंसर है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है कोंडागाँव ओके ऐड कीजिएगा चलिए देखते हैं इसके संबंध में याद रखिएगा सबसे पहले है ना ऐड कीजिएगा कि की आलोर गुफा ये कोंडागाँव जिला में स्थित है और कोंडागाँव जिला के दोस्तों फरस फरसगाँव जनपद अंतर्गत दोस्तों आलोर गाँव याद रखना ग्राम आलोर की जो है झाँपी बंद पारा में है ना यहाँ जो है प्राकृतिक गुफा है है ना याद रखिएगा झापीबंद पारा की जो है पहाड़ी में प्राकृतिक गुफा है और यहाँ विराजित जो है शिवलिंग को लिंगई माता के रूप में पूछ जा जाता है, ओके? याद है ना आलोर गुफा किस जिले में है तो आपका कोंडागांव याद रखिएगा ना और पूरे छत्तीसगढ़ में दोस्तों आलोर ही एक ऐसी जगह है जहां शिवलिंग की जो है पूजा लिंगई माता के रूप में होती है और ये जो है ना गुफा वर्ष में एक बार खुलता है ओके ऐड कीजिएगा और भी इसके संबंध में याद रखना है कि यहाँ प्राचीन शिवलिंग के जो है पूजा बमनीन माता के रूप में पूजा जाता है इनको ठीक है ऐड कीजिएगा कि ये काले ग्रेनाइट का जो है बना हुआ है और इसके पास ही दोस्तों काले ग्रेनाइट से बना हुआ दोस्तों ऐसा ही शिवलिंग गढ़धनौरा बड़े खौली नारला आदि स्थानों में मिलते हैं और आमा जोगानी है ना भोजी जोगानी और माटी तिहार में दोस्तों इसकी जो है पूजा की जाती है ओके तो इतना पॉइंट है दोस्तों ये न्यूज़ के आधार पर है ध्यान दीजिएगा है ना तो लिंगाई माता का मंदिर ये किस जिले में है, ये ऐड कीजिएगा ओके चलिए देखिए श्याम घुनगुट्टा जलाशय जिले में स्थित है तो ऑप्शन है यहाँ पर और इसका जो सही आंसर है दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर देखिए सी सही है सरगुजा ओके ऐड कीजिएगा सरगुजा तो वही है याद रखिएगा दोस्तों कि श्याम घुनगुट्टा जलाशय अंबिकापुर अंबिकापुर में है जो कि सरगुजा जिला के अंतर्गत आता है। जल के कारण देखिए हाल ही में, में चर्चित मुरीत बाबा का मंदिर यह किस जिले में स्थित है तो ऑप्शन है यहाँ पर और इसका जो सही आंसर है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है कबीरधाम ओके ऐड कीजिएगा देखते इसके संबंध में तो याद रखिएगा दोस्तों कि कवर्धा से जो है पिपरिया मर का अंतर्गत पंडरिया तहसील के जो है शौहाम लगी अरब का सोमनापुर में ब्रह्म सरोवर के निकट दोस्तों प्राचीन स्थल है जो कि लोगों का जो है आस्था का केंद्र है और लोग इसे दोस्तों मुरीत बाबा के नाम से पूछते हैं और ये आठवीं से ग्यारहवीं शताब्दी के दोस्तों दो जो है मूल्यवान कलाकृतियाँ हैं ओके ऐड कीजिएगा और ये है कि इसमें से एक मूर्ति दोस्तों काले पत्थर में जो है है ना उत्कृत है और ये चतुर्भुजी और एक जो है शतुमुर्सी ब्रह्मा जी की दोस्तों चौंतीस इंच जो है ऊंची प्रतिमा है ओके याद रखिएगा ये किस जिले में है और भी इसके संबंध में और दाढ़ी है ना दाढ़ी युक्त तो होने के कारण दोस्तों ये ग्रामवासी इसे क्या बोलते हैं मुरीत बाबा के नाम से जाना जाता है मुरीत बाबा कहते हैं इसे और ऐसी जो प्रतिमा है ये कर्नाटक के जो है चेन केशवा मंदिर में स्थापित है ओके बाकी ये याद रखना है कि दूसरी जो प्रतिमा है दोस्तों चतुर्मुखी शिवलिंग जिसे सदा के नाम से भी जाना जाता है क्या कहा जाता है सदा शिव कहा जाता है और ये काले पत्थर पर बनी दोस्तों है ना छब्बीस इंच जो है ये ऊंची है और ये दोस्तों याद रखना है ऐसी जो प्रतिमा है कौशंबी दिल्ली और सिरपुर के संग्रहालय में रखी गई है ओके तो ये इतना पॉइंट है है ना न्यूज के आधार पर है याद रखिएगा है ना ऐड कीजिएगा चलिए अगला प्रश्न ये है देखिए है ना गर देवान का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है यह भी न्यूज़पेपर के आधार पर है कला संस्कृति के अंतर्गत ध्यान दिएगा ऑप्शन को और इसका जो सही आंसर है दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है उपरोक्त तो दोनों है ना गला और डोरी दोनों होता है देखते हैं इसके संबंध में तो यह है ऐड कीजिएगा दोस्तों की गर देवान का जो है अर्थ याद रखना है गर् मतलब क्या होता है है ना गर मतलब यानी गला और देवान मतलब क्या होता है डोरी ओके ऐड कीजिएगा दोस्तों कि गर्द देवान याद रखना है डोरी या रस्सी बैलों और भैंसों के लिए दोस्तों याद रखना है प्रयुक्त होता है उनको बांधने के लिए गायो बैलों और को है ना गाय बैलों को दोस्तों नाथ डोरी याद रखना है और गर्दन डोरी दोनों होते हैं गाय और बैलों में और संयुक्त रूप से दोस्तों जिस डोरी में जिस डोरी से दोस्तों गायों को या पशु को बांधा जाता है उसी को क्या बोलते हैं गढ़ देवान कहते हैं ओके तो इतना पॉइंट है इसको ध्यान रखना है, है ना आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है खास कर दोस्तों प्री के एग्जाम में में, में ये पूछा जा सकता है, ओके, ओके, सी सेट चलिए, देखिए, बाग बाग निम्नलिखित से से किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ध्यान ऑप्शन को, और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर है ओके, देखते इसके में। याद रखिएगा कि उन्होंने पदक भी जीते हैं और उन्होंने वर्ष 2003 हज़ार में दोस्तों लखनऊ में जो है हुए के डी सिंह है ना बाबू अंडर 14 हॉकी टूर्नामेंट में दोस्तों छत्तीसगढ़ को दोस्तों याद रखना है पहली बार जो है कांस्य पदक दिलाया था और उन्हें खोगा के नाम से भी जाना जाता है ऐड कीजिएगा कि की उन्हें खोगा के नाम से भी जाना जाता है और वह छत्तीसगढ़ के लिए याद रखना है वह छत्तीसगढ़ के लिए सर्वाधिक गोल दागने वाले खिलाड़ी थे ठीक है तो ऐड कीजिएगा खोगेश्वर बागजी है ना चलिए देखिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने किस जिले में एक पेड़ मां के नाम महावृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है तो ऑप्शन है यहां पर और इसका जो सही आंसर है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है बस्तर ओके okay, ऐड कीजिएगा चलिए देखते हैं इसके संबंध में याद रखिएगा दोस्तों कि मुख्यमंत्री जी ने बस्तर जिले के बस्तर जिले में दोस्तों एक पेड़ माँ के नाम महावृक्षारोपण अभियान की जो है शुरुआत की है और नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम महावृक्षारोपण अभियान का जो है शुभारंभ किया था कब तो याद रखना विश्व पर्यावरण दिवस कमेंट्स में आप लोग बताइएगा कब मनाया जाता है ना और इस अभियान के अंतर्गत दोस्तों देश में जो है सितंबर 2024 तक याद रखिएगा 80 करोड़ और मार्च 2025 तक दोस्तों 140 करोड़ पौधा जो है रोपण करने का जो है लक्ष्य रखा गया है और एक पेड़ माँ माँ के नाम महावृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में याद रखने छत्तीसगढ़ में दो करोड़ पचहत्तर लाख पौधों का जो है रोपण किया जाएगा और वन विभाग द्वारा दोस्तों वन और आपका है ना वन क्षेत्रों में तीन करोड़ पंचानबे लाख पचासी हजार पौधों का जो है रोपण किया जाएगा ठीक है मतलब किया जा रहा है देख लीजिएगा यह डी पी आर सी जी से है ध्यान दीजिएगा ओके चलिए ये अगला प्रश्न है देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 में स्वप्निल कुशाले ने कौन सा पदक जीता है ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को और इसका जो सही आंसर है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है कांश ओके ऐड कीजिएगा चलिए देखते हैं तो वही है याद रखिएगा दोस्तों कि पेरिस ओलंपिक 2024 में देश के लिए राइफल हजार पोजीशन में कांश जीता है, ओके? तो ये सब है, है आज के लिए है वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। मैं आने वाले समय में दोस्तों प्रयास करूंगा कि नेशनल इंटरनेशनल का जो है अच्छे से कवर करूं सपोर्ट कीजिएगा यह वाला प्रश्न आप लोगों के लिए किस राज्य में भतरा प्रजा जनजातिया एक आदिम प्रकार के सितार का उपयोग करती है जिसे किन्द्री या किनेरी कहा जाता है तो इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में हो सके तो डिटेल करने की कोशिश करिएगा चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया रहिए, मस्त रहिए, और हां, इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो कल का पीडीएफ मैं डाल दिया हूं टेलीग्राम चैनल में जाकर डाउनलोड कर सकते हो शस्त्रिय मस्त रहिए और हां परते शुक्रिया